पद के लिए कुछ भी कर सकता है आदमी, ये उसको पद चाहिए, बिना पद के वो आदमी जिंदे नहीं रह सकता, उसको दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकता है। खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां स्थानीय भाजपा सांसद छेदी पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही है। एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद छेदी पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। मुख्यमंत्री को हर कीमत पर पद चाहिए, बिना पद के वे जीवित नहीं रह सकते हैं। पहले आप सांसद छेदी पासवान का वो बयान सुनिए। तो जब कार्यकर्ता का कोई काम नहीं होता था, तो हम जमीन से जुड़े हुए हैं कार्यकर्ताओं के साथ, और कार्यकर्ता की जब काम नहीं होता है तो हम पहला आदमी हैं जो बोलते थे कि दाऊद इब्राहिम से ज्यादा हाथ मिला। पद के लिए कुछ भी कर सकता है आदमी, ये उसको पद चाहिए, बिना पद के वो आदमी जीने नहीं रह सकता है, उसको दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकता है। हाथ मिला लिया, जिस पार्टी को छोड़ा था उस पार्टी से भी हाथ मिला लिया। तो कहीं कोई काम नहीं, विकास का काम नहीं, जो भी काम हो रहा है भारत सरकार के सहयोग से काम हो रहा है, विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है, टोटल विकास रुका हुआ है, टोटल अवस्था में बिहार टूटा हुआ है और बिहार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। यदि सरकार को तत्काल समाप्त नहीं किया गया तो यह बिहार के लोगों को काफ़ी पड़ता है। सर, अभी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री, ये सपना, ये कभी भी सपना कभी साकार नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री जो आदमी जो गरीबों के बारे में सोचता है, देखता है और जो गरीबी देखा है, देहाती कहावत है कि जकरा पैर में फाटे बवाई वही जाने पर आई, तो देश के प्रधानमंत्री जो गरीब घर से पैदा हुए हैं और चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री बने हैं, तो गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था अन्नपूर्णा योजना, समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये प्रधानमंत्री सतत प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में आना दिया गया, तो रोगी रोग के समय में जितने लोग रोग से नहीं मरते हैं उससे ज़्यादा भूख से मर जाते हैं, तो भूख से लोग न मरे इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री सारा काम किया है। और हम समझते हैं कि पूरे देश के जो गरीब लोग हैं, किसी जाति के हैं, किसी जाति के हैं, उन पर प्रधानमंत्री के साथ हैं, इसमें कहीं कोई जोर नहीं बनने जा रहा है। नीतीश कुमार बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। विपक्ष तो नकार दिया, चुपचाप घर पर बैठे हुए हैं, तो भारत इनको प्रधानमंत्री बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। देश का प्रधानमंत्री पुनः कोई बनेगा तो नरेंद्र मोदी बनेंगे, कारण की गरीबों के हित में काम करेंगे। तो आपने छेदी पासवान का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा कि जिन्होंने कभी गरीबी देखा ही नहीं वह गरीबों के हित में कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। रोहतास से अमित कुमार की रिपोर्ट।